गाइस, दिस इज सिम डिम एंड वेलकम बैक टू द सिम डिम वे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी लिपस्टिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट है, साथ ही साथ इंडियन स्किन टोन्स यानी कि वीटिश स्किन टोन्स पे आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको जानने हैं कुछ अमेजिंग से लिप शेड्स, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके सर, नंबर वन लिपस्टिक है ऐसी लिपस्टिक जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। जो डेज पे मुझे समझ भी नहीं आता ना कि मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए, मैं यही लिपस्टिक लगाती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नायकाज लिपस्टिक। दिस इज द नायका मैट टू लास्ट लिपस्टिक इन द शेड मद्रास कापी। ये मैंने आई थिंक अपने लास्ट वीडियो में भी लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं मतलब 10 दिन अगर आप मुझे रोज देखोगे ना, उसमें से 9 दिन मैंने यही लगाई होगी डेफिनेटली। मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, इट्स जस्ट सच अ नो ब्रेनर। और अभी मैं फालतू बकवास कर रही हूँ, आपको शेड देखना है तो वो दिखाती हूँ। ये है लिपस्टिक का शेड, दिस इज लाइक अ परफेक्ट ब्राउन। लाइक एक होता है ना एकदम एक्स्ट्रा सा ब्राउन और एक होता है एकदम ऐसा ठंडा सा ब्राउन, ये दोनों में से ही नहीं है और ये परफेक्ट लाइक मीडियम है। जैसे पानी पूरी कैसे मीडियम मस्त होती है, वैसे ये मीडियम वाला है। तो अगर आप एक परफेक्ट ब्राउन लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू शुड गो फॉर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है ना, इसको अगर मेरा कभी म्यूजियम चलो हाइपोथेटिकली बन भी गया ना, तो ये लिपस्टिक उस म्यूजियम में जाने वाली है। आई एम श्योर ये एक्सपायर हो चुकी है, बट ये मैंने ना आई थिंक ये मेरी सेकेंड लिपस्टिक ही होगी। मैंने अपने पूरे लाइफ में जो सेकेंड लिपस्टिक खरीदी थी वो ये थी। ये है कलर बार की लिपस्टिक इन द शेड हॉट लाटे। लेकिन ये इतना प्यारा शेड है मतलब, और मेरी लिपस्टिक कलेक्शन में आपको सारे शेड्स ऑलमोस्ट लाइक थोड़े बहुत सिमिलर ही दिखेंगे, क्योंकि मैं वही स्किन टोन वही शेड की फैमिली में जाना पसंद करती हूँ। ये है कलर बार का हॉट लाटे, मैं यहाँ पे स्वॉच करती हूँ। कितना सुंदर है, ऐसा लगता है खा लूँ मतलब कितना प्यारा है। परफेक्ट बैलेंस ऑफ पिंक ब्राउन मॉव वीटिश स्किन टोन के साथ ना, ये इतना सुंदर लगता है। और प्लस है ना, थोड़े से टाइम बाद ये थोड़ा ब्रिकी भी दिखने लगता है, तो इतना ज्यादा मतलब मजा आ जाता है लिटरली ये लिपस्टिक लगाने पे। ये ऐसी लिपस्टिक है जो आप बिना मेकअप बिना कुछ के भी अगर लगाओगे ना, आपको सीरियसली बहुत मजा आ जाएगा। ये एक और बार देख लो क्योंकि इसके बाद आपको लेनी है ना। Moving on to the third lipstick, मेरे पास है Maybelline Superstay Matte Ink. This is in the shade Amazonian. मतलब ये मेरे को लेके आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं, बट जब से ये आया है ना literally मैं everyday ये lipstick लगा रही हूँ। ये इतनी सुंदर lipstick है मतलब आपको ना सीरियसली मजा आ जाएगा। मैं काफी टाइम से एक ऐसा ब्राउन देख रही थी, मैं बहुत टाइम से मैंने जैसे कहा मद्रास कॉपी लगा रही थी, बट मुझे एक और चाहिए थी जो कि मास्क के अंदर भी काफी अच्छी स्टे करती हो, क्योंकि आजकल मास्क के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, लिपस्टिक से इम्पोर्टेंट मास्क है बाय द वे। तो वही मुझे ऐसी लिपस्टिक चाहिए थी कि अगर मैं बाहर जाऊँ मास्क लगा के तो मैं मास्क निकालू फिर भी वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं हुई हो एंड ऑल ऑफ दैट, इसीलिए मैंने ये मंगाई। भाई साहब क्या आप तैयार हैं इसके स्वॉच के लिए, यहाँ पे करते हो इतने गंदे स्वॉच और मैं यूट्यूबर बनूंगी, भैया हो गया तुमसे ना हो पाएगा। सबसे बेस्ट बात है कि इसका जो ये पैकेजिंग है ना, ये एग्जैक्टली सेम है, तो बहुत ही अच्छा पड़ता है जब ये आप ड्रॉअर में, जैसे अगर आपके पास मेरे जैसा ड्रॉअर है जिसमें 2000 लिपस्टिक्स पड़ी हैं उसमें से ढूंढना हो तो वन स्ट्रोक एप्लीकेशन bomb.com। अनदर थिंग इज कि अगर आपको ना मेबलिन के प्रोडक्ट्स देखने हैं ना खरीदने के लिए, आप एक बार ना नायका से पहले हमेशा मिंत्रा चेक करना, बिकॉज मिंत्रा पे इतने ज्यादा खतरनाक ऑफर्स होते हैं ना, मतलब एक या तो बाय वन गेट वन रहेगा या फिर मस्कारा फ्री या कुछ ना कुछ फ्री उसमें हमेशा ही होता है। नायका ऑफकोर्स हम सबका फेवरेट है, बट मिंत्रा को भी डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली जब लॉरियल मेबलिन के प्रोडक्ट्स की बात करें तो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ लिपस्टिक आई हैव अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ मेबलिन। ये है, कौन गेस कर सकता है,
पॉज एंड कमेंट डाउन बिलो। सर आपने कमेंट कर दिया होगा क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। अब हम चलते हैं लिपस्टिक्स की तरफ। ये रही मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। मैं ये सारे शेड्स दिखाती हूँ, मेरे पास एक्चुअली तीन ही है और तीनों ही एक दूसरे से काफी अलग है। पहला है ये लिपस्टिक, ये है मेबलिन क्रीमी मैट जैसा मैंने कहा, इन द शेड चिली न्यूड। एक सेकेंड स्वॉच दिखाती हूँ। ये रही लिपस्टिक का स्वॉच, ये रही व्हाट अ हिंदी, ये रहा लिपस्टिक का स्वॉच। ये एकदम परफेक्ट रेड भी नहीं बोल सकते, पिंक भी नहीं बोल सकते, ऑरेंज भी नहीं बोल सकते, उन सब का मिश्रण करके एक लिपस्टिक तैयार की मेबलिन ने, और वो है ये। ये है चिली न्यूड, इसका नाम है। बहुत ही प्यारा लगता है लाइक फेस्टिव सीजन, जैसे कि अभी आने ही वाला है, तो लहंगा पे और ऐसे रेड ग्रीन ऐसे टाइप के आउटफिट्स होते हैं मोस्टली। येलो पे भी ये काफी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसे चटाक सा पर ज्यादा चटाक भी नहीं टाइप के लिपस्टिक चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला है टच ऑफ स्पाइस। अगर आपने यूट्यूबर्स के वीडियोस रेकमेंडेशन वगैरह वगैरह देखे हैं तो हर एक के वीडियो में आई थिंक ये वाली लिपस्टिक डेफिनेटली होगी। ये है टच ऑफ स्पाइस और मैं कोई अलग नहीं हूँ, डेफिनेटली ये मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये रही टच ऑफ स्पाइस, बहुत ज्यादा प्यारा सा पिंक है, ज्यादा मजेंटा की तरफ नहीं जाता बट परफेक्ट सा एक प्यारा एवरीडे दुल्हन टाइप का पिंक। पता है दुल्हन टाइप कौन सा टाइप होता है, मेरे अपने टाइप निकालती हूँ मैं, बट हाँ ये बहुत ही प्यारा सा पिंक है। अगर आपको अगेन फेस्टिव सीजन के लिए ये दोनों ही शेड्स काफी अच्छे हैं। ये एक परफेक्ट सा रेडिश ऑरेंज बन सकता है वाला तो है ही है, जैसे कि मैंने पिंक बोला, बहुत ही अमेजिंग लगती है। लास्ट लिपस्टिक जो कि इस रेंज से है ये वाली लिपस्टिक, दिस इज द मेबलिन क्रीमी मैट नूड नुआंस। दिस इज हाउ द शेड लुक्स, सबसे ऊपर वाला परफेक्ट परफेक्ट मॉव शेड। अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है या मेरे से थोड़ी सी लाइटर भी है ना, तो ये एकदम परफेक्ट सा एवरीडे मतलब माय लिप्स बट बेटर शेड लगेगा। मेरा तो लिटरली ना ये लिपस्टिक मेरे लिप्स का ही कलर है, मतलब एग्जैक्ट सेम है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है मेरे लिप्स से। तो अगर मुझे जैसे यहाँ ऐसे पासबुक प्रिंट कराने पापा ने भेज दिया या फिर मम्मी ने बोला कि ये लेके आओ वो लेके आओ, कुछ ऐसे नीचे से नीचे से कोई सामान लाने बोल दिया, तो भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैंसी बिहेव करना है तो मैं ये लिपस्टिक लगा के जाती हूँ। बहुत ही मस्त लगती है, एकदम ऐसे प्यारी सी, जस्ट देयर बट नॉट देयर टाइप्स। फिफ्थ लिपस्टिक के लिए मेरे पास है, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस लिपस्टिक के बारे में बताने के लिए। मैंने अगेन ये मेरी रिसेंट परचेज है, ये है के ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड वी आवर्स। ये फर्स्ट वाली एकदम प्यारा सा म्यूटेड डस्ट कोरल शेड है। अगर आपको एकदम ज्यादा चटाक कोरल नहीं पसंद ना, जैसे कि मैंने अभी लगाया हुआ है, या फिर ऐसा वाला, तो इसका ना बहुत बहुत लाइट वर्जन ये वाला शेड है। वुड लाइक टू मेंशन कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक मतलब जैसे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे भी जब मैंने स्वॉच किया है ना तो क्रीसेस में नहीं फिल हो रहा है, तो जो लिप की आपकी क्रीसेस होती है ना, जो लाइन्स नेचुरली आती है, उसमें ये जाके बैठ नहीं जाता है, जो कि काफी सारी लिपस्टिक्स में होता है पर इसमें नहीं होता है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्यारी लिपस्टिक है। सिक्स्थ लिपस्टिक आई हैव दिस वन राइट हियर, दिस इज द लॉरियल पेरिस, आई थिंक इसका नाम है रूज सिग्नेचर, कुछ ऐसा कलेक्शन है। इन द शेड आई चूज लाइक अ स्ट्रेट आउट पिंक, यू कैन सी सबसे प्यारा सा डॉल लाइक पिंक है। अब ये लिपस्टिक है ना मेरी गो टू कब होती है मैं बताती हूँ, जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ, पहाड़ में लिटरली एकदम ऐसे प्यारे से फ्लशी फ्लशी से चीक्स कर लेती हूँ, इसी से ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके डैप कर लेती हूँ, और लिप्स पे भी ऐसे डडा ऐसे डैप करके प्यारा सा पिंक लगा लेती हूँ और खुद को पहाड़न समझ लेती हूँ, एकदम ऐसे जैसे कि मुझे अंदर से ऐसे पिंकीनेस दी हुई है भगवान ने। तो अगर आपको भी ऐसा लगना है तो प्लीज ये लिपस्टिक लगाएं, और मेरे एकदम एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए तालियां। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द सेवेंथ लिपस्टिक, आई हैव दिस वन राइट हियर, दिस इज द टू फेस्ड मेल्टेड मैट लिपस्टिक इन द शेड सेल आउट। लिटरली ना मुझे जुबान पे ये चीज याद थी क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने एक साल है ना बार बार इसे अपने कार्ट में डाला,
फिर निकाला, कार्ट में डाला, फिर निकाला, क्योंकि इतनी महंगी है ना, दिस इज फॉर लाइक 1600 या ऐसा कुछ। तो मुझे ना, मैं दिल नहीं मानता था कि मुझे लिपस्टिक लेनी चाहिए, कि क्या ये वर्थ होगी नहीं होगी, बट वर्थ एवरी पेनी। लाइक इतना प्यारा शेड है, मतलब मैं कैसा भी मेकअप कर लूँ ना दुनिया में, ये डेफिनेटली उस मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर ही देता है किसी भी तरह। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ क्विकली। दिस इज टू फेस्ड मेल्टेड मैट इन द शेड सेल आउट। देखा कितना प्यारा डस्टी म्यूटेड रोज सॉर्ट ऑफ शेड है, राइट अप माय एली। लाइक मुझे ऐसे टाइप के कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है, एंड दिस इज लाइक मी इन अ लिपस्टिक। प्लस लाइक जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, मतलब इतना प्यारा। एंड ये ऐसे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा मे बी कैमरा पे, बट दिस इज लाइक अ स्टर्डी लिपस्टिक, एंड ये पूरा ना एनग्रेव्ड है, मतलब दिस इज लिटरली एक एक रुपया पैसा वसूल। लव इट। नेक्स्ट वन वेरी क्विकली, द एथ लिपस्टिक दैट आई हैव इज अगेन अ हाई एंड वन। दिस इज बाय मैक कॉस्मेटिक्स इन द शेड सोर। सो आई थिंक सोर की लिप पेंसिल वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सट्रीमली फेमस, एंड देन दैट्स वाई मैक वॉज लाइक कि ये हमारी इतनी बेस्ट सेलर लिप लाइनर है, तो लेट्स रिमूव अ लिपस्टिक ऑल्सो। This is how the swatch looks like. ये वाला है ना हल्का सा, as you can see, lilac tones है इसमें। So this is like a pink plus brown plus lilac tones mixed into one and creates a very nice lipstick shade. One of those lipsticks जब आपको full face of makeup नहीं करना, like foundation, mascara, ये वो फलाना, 50 steps नहीं करने, सिर्फ एक प्यारी सी लिपस्टिक लगानी है, गो फॉर दिस वन, दिस इज अमेजिंग। ओके गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ लिपस्टिक। दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक। आई एम टॉकिंग अबाउट लैकमेज फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक। दिस वन वॉज फॉर लाइक 290 rupees और समथिंग। अगेन ऐसा शेड है ना जो बहुत ही प्यारा सा ब्राउन है, प्लस इसकी इंटेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ऐसी शेयर सी लिपस्टिक लगानी है जो इतना ज्यादा लाइक आपका लिप का कलर कवर नहीं करे, ज्यादा मेकअप जैसा ना लगे, ज्यादा हैवी ना लगे लिप्स पे, तो ये बहुत ज्यादा प्यारी सी है। एक परफेक्ट ब्राउन है। ये है इन द शेड 19 न्यूड ट्विस्ट। एक अफोर्डेबल ब्राउन न्यूड लिपस्टिक अगर आप देख रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर दिस। फाइनली कमिंग टू एन एंड, मूविंग ऑन, वी हैव द 10th लिपस्टिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ ऑन माई लिप्स। And 9 out of 10 times when I do a glam makeup, this is the lipstick that I'm wearing. Matlab, main literally, this is such a no-brainer. This is the Malvika Sitlani ke saath jo Smashbox ne collaborate karke apna duo nikala tha, usme se ye hai lipstick. This is in the shade Driver Seat. मैंने मालविका के ही वीडियोस में इतना ज्यादा सुना है, आई हैव हर्ड हर रेव अबाउट दिस लिपस्टिक, और जैसे ही ये मिनी साइज में आया, क्योंकि ओरिजिनली ये 2100 का है लाइक द फुल साइज, एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी ऑन अ लिपस्टिक अनलेस आई हैव ट्राइड इट एंड आई एम इन लव विद इट, विच आई एम नाउ। तो ये लिपस्टिक इतनी ज्यादा प्यारी है, आई जस्ट शो यू द स्वॉच। अब इस लिपस्टिक की शेड को मैं कैसे डिफाइन करूं, एकदम परफेक्ट लाइक रेड, ऑरेंज, ब्राउन और पिंक। आई थिंक ये चारों शेड को मिला के इन परफेक्ट प्रपोर्शन ये लिपस्टिक बनाई है। और अब मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है स्किन को, वो तो आप जैसे मतलब देख ही लो, इतना प्यारा लग रहा है। लुकिंग लाइक अ नाइस ब्रिक शेड, यू कैन से ईंट का कलर जैसे होता है ना, समथिंग दैट आई एम ऑल्सो वेयरिंग राइट नाउ, उससे काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एज यू कैन सी। एंड आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि अगर आप ये स्मैशबॉक्स के लिपस्टिक्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राई द डुओ मिनी जो वो लोग सेल करते हैं, बिकॉज वो लेते हैं ना तो वो 990 के आसपास कुछ आता है, या आई थिंक 1050 ऐसा का कुछ आता है। तो उसमें आप आराम से शेड टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो आप बड़ी वाली ले सकते हो। ये मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजों के साथ करती हूँ। विद दैट वी कम्प्लीट दिस वीडियो। दीज वर माई टॉप 10 फेवरेट लिपस्टिक्स, अमेजिंग लिपस्टिक्स फॉर वीटर स्किन टोन स्पेशली। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो सुपर सुपर सून। बाय।